Hello guys, this is Kyol Patil welcomes you to the fluid mechanics world. Last video में हमने types of pressures देखे थे, atmospheric pressure, gauge pressure, vacuum pressure, absolute pressure and all. आज हम देखेंगे pressure measurement devices. अच्छे concept है, ध्यान से सुनना, okay? और अपने notes बनाना. मैं सब video के description में सब notes डालता हूँ और वो भी check करना, ठीक है. तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के दो टाइप्स होते हैं, एक मैनोमीटर एंड एक मैकेनिकल गेज. तो मैनोमीटर प्रेशर क्या रहता है, तो मैनोमीटर डिवाइसेस क्या रहती है, तो सिंपल मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर है, पाइजोमीटर है, इन्वर्टर मैनोमीटर है एंड इंक्लाइन मैनोमीटर. तो ये मैनोमीटर्स के अंदर आते हैं. मैकेनिकल गेज में क्या आता है, बर्डन ट्यूब गेज, बैरोमीटर्स, डायफ्राम, ओके, ये सब आते हैं मैकेनिकल गेज के अंदर. तो हमें अभी तो यही देखना है, मैनोमीटर ही देखना है. तो इस वीडियो में सिर्फ मैनोमीटर देखेंगे. तो फर्स्ट वन में ले रहा हूँ पाइजोमीटर, देन सिंपल यूट्यूब देखेंगे इन्वर्टेड देखेंगे. तो पहला देखते हैं हम पाइजोमीटर. सो पाइजोमीटर इज अ कंसिस्टिंग ऑफ ग्लास ट्यूब. तो ये ग्लास ट्यूब है ऐसे, ठीक है, ये दिख रहा है ग्लास ट्यूब, ओपन एट वन एंड, एटमोसफेयर के लिए ओपन है, ओके, ओपन एट वन एंड टू द एटमोसफेयर एंड अनदर एंड इज इंसर्टेड इन द वॉल ऑफ द पाइप और वेसल. ये ऐसे पाइप हो सकता है, ऐसे सीधा ऐसे पाइप हो सकता है, उस पाइप के ऊपर इंसर्ट किया है, और कोई भी वेसल हो सकता है, स्पेरिकल वेसल है, उसमें इंसर्ट किया हुआ है. तो एक किधर अटैच है, वॉल ऑफ पाइप, ओके, और वेसल में अटैच है, ठीक है. अभी देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर है, वो प्रेशर की वजह से क्या हो गया, फ्लूड उसमें राइज हो जाएगा, फ्लूड ऐसे ऊपर आ जाएगा. यहाँ पर जो प्रेशर होगा, क्योंकि ये तो सिंपल ऐसे विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लूड नहीं होने वाला, हमें मेजरमेंट करना है, मतलब क्या रहेगा, उस पर कोई ना कोई प्रेशर एक्ट हो रहा है. तो प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, ये एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो ये ऐसे आप क्या कर रहे हो, ये बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक ओपन, ये यहाँ से ऊपर आ रहा है. अभी जो प्रेशर करेंगे, जो मेजरमेंट होगा, वो कौन सा होगा, गेज प्रेशर होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को ओपन है और एटमॉस्फेयर प्रेशर ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर के वह कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है. नाउ देखो, तो ये कितना ऊपर चला गया, तो ये प्रेशर यहाँ पर है P और H हाइट की से इतना ऊपर आ गया. हमें पता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, फोर्स इज नथिंग बट रोजी H, तो P यहाँ से क्या मिल जाएगा, रोजी H, ओके. तो जितना ऊपर चलेगा, मतलब ये ग्लास ट्यूब में जितना ऊपर जाएगा, वो हाइट हम ये जो सेंटर है उधर से उतना हाइट लेंगे, रो, इसका जो रो रहेगा, रो ऑफ फ्लूड, जी हमें पता है 9.81 इनटू एच जो हाइट रहेगा उसको, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर. तो बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है. तो ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ओके. तो फर्स्ट थिंग इज, हम हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते. ज्यादा प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, ये ऊपर ऐसे जो फ्लूड है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ट्यूब हमें बहुत लंबा लेना पड़ेगा, विच इज नॉट फिजिबल. ग्लास ट्यूब है वो ज्यादा लंबा. तो ये कहाँ यूज होता है, जो मॉडरेट प्रेशर रहेंगे, ओके, और लो प्रेशर के बीच में, मॉडरेट एंड लो प्रेशर में यूज होता है, ओके. सेकेंड थिंग, वी कांट यूज इट फॉर गैसेस. अगर गैस इधर यूज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर चले जाएगी, यहाँ ऊपर से निकल जाएगी. तो गैसेस, एयर के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, ओके. सो दो ड्रॉबैक्स है इसके, एक हाई प्रेशर के लिए यूज नहीं कर सकते, दूसरा एयर एंड गैसेस के लिए यूज नहीं कर सकते. तो देखते हैं ये ड्रॉबैक हम कैसे निकालेंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर. तो इसी का नेक्स्ट वर्जन है, देखो, सिर्फ इसको क्या कर दिया, ये जो ग्लास ट्यूब है उसको क्या कर दिया, ऐसे यू शेप दे दिया, ऐसे यू शेप दे दिया. देखो ये, देखो कैसे है, और इसको यू शेप दे दिया, इसलिए यूट्यूब, सिंपल यूट्यूब, ओके. अभी देखो इसमें क्या है, तो प्रेशर यहाँ से एक्ट हो रहा है, ओके, ये यहाँ पर फ्लूड है और यहाँ पर एक हेवी फ्लूड डाला है. अगर हेवी फ्लूड में क्या बोल रहा हूँ, इसको मैनोमेट्रिक फ्लूड बोलते हैं, ओके, जो मैनोमीटर में जो डालते हैं उसको मैनोमेट्रिक फ्लूड और मैनोमेट्रिक लिक्विड बोलते हैं. ये फ्लूड है, उसका प्रेशर हमें मेजरमेंट करना है. तो यहाँ अगर मैंने हल्का ऑयल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये चमचो वाटर है, ओके, ऑयल डाल दिया तो ऑयल ऐसे ऊपर चला जाके इधर चला जाएगा. इसलिए ये क्या करते हैं, हेवी यूज करते हैं, जैसे मर्क्यूरी. इधर मैंने मर्क्यूरी लिखा है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है मर्क्यूरी, तो इसलिए मैंने हेवी यूज किया है. तो ये ऊपर नहीं चला जाएगा, इधर ही रहेगा, ठीक है. अभी देखो मुझे क्या करना है, तो मुझे प्रेशर निकालना है. अभी देखो ये मैंने एक डिटम लाइन ले लिया, ठीक है, और मुझे अभी प्रेशर दिखना है. फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो ईस्ट साइड प्रेशर रहेगा और ईस्ट साइड प्रेशर रहेगा वो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
अभी देखो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, ओके, तो प्रेशर एट लेफ्ट साइड ऑफ मैनोमीटर तो क्या रहेगा, ये प्रेशर दैट इज व्हाट पी ए, ओके, तो ए पॉइंट ले रहा हूँ, उसको ए पॉइंट ले रहा हूँ, तो प्रेशर क्या बन जाएगा, पी ए बन जाएगा, ओके, सो प्रेशर एट पॉइंट ए जो फ्लूड का प्रेशर रहेगा वो, तो पी ए बन जाएगा। अभी ये हाइट है एच इतना, तो इसका फ्लो प्रेशर भी एट होगा, तो इसका रो मैंने, ये फ्लूड का जो डेंसिटी है वो रो लिया है मैंने, तो क्या बन जाएगा हाइट के हिसाब से रो जी एच, हाइड्रोस्टेटिक लॉ, ओके। अभी देखो ये जो रहेगा इसका इसका और इसका प्रेशर तो सेम ही रहेगा, आप लेफ्ट साइड में कंसिडर कर रहे हो, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर लेंगे क्योंकि ये तो नीचे है, तो अगर आपने इसको लेफ्ट साइड में ऐड किया तो इसको भी लेफ्ट साइड राइट साइड में ऐड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इज इक्वल टू प्रेशर एट राइट साइड है, तो अगर आप ये ऐड कर रहे हो ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा क्योंकि सेमी फ्लोट है, रो जी एच आ जाएगा, रो जी एच आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं ये कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर का ले रहा हूँ राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा रो एम, ओके, इंटू जी वैसे रहेगा इंटू एच एम, एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर है, हम गेज प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ एक्ट होगा वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ देखो अगेन मैं बताता हूँ यहाँ पे कौन से प्रेशर है लेफ्ट साइड में, तो ये पी ए जो फ्लूड प्रेशर है प्लस ये हाइट के वजह से, जो ये हाइट का कॉलम है उसके वजह से जो प्रेशर आ रहा है रो जी एच, एंड ये जो हाइट का कॉलम है उसके वजह से जो प्रेशर आ रहा है रो एम जी एच एम, ओके। अब मैं ये इधर डाल रहा हूँ तो प्रेशर ए कैसे मिलेगा मुझे, रो एम जी एच एम माइनस रो जी एच, तो इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, प्रेशर एट पॉइंट ए निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी क्या है इसका एक यूज है, अभी देखो उधर ड्रॉबैक थे कि वो हम हाई प्रेशर के लिए यूज नहीं कर सकते, इधर भी अगर हाई प्रेशर यूज करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये भी हम हाई प्रेशर के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन यूज इट फॉर एयर एंड गैसेस, एयर भी रहेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से इधर है तो ऐसे निकल के जाने नहीं वाला, तो एयर एंड गैसेस के हम यूज कर सकते, तो पाइजो इलेक्ट्रिक जो था, पाइजोमीटर जो था, सॉरी नॉट पाइजो इलेक्ट्रिक, पाइजोमीटर था वो क्या है, एयर एंड गैसेस के लिए भी नहीं यूज कर सकते, हाई प्रेशर के लिए भी नहीं यूज कर सकते, लेकिन दिस वन वी कैन यूज फॉर एयर एंड गैसेस, बट वी कांट यूज फॉर हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर से क्या हो जाए, मैनोमीटर फ्लूड ही चला जाएगा, मर्क्यूरी महंगा रहता है, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप इज डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल है मतलब क्या है, डिफरेंस बताएगा, दो पॉइंट के बीच में का डिफरेंस बताएगा, तो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ओके, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इसमें अलग अलग फ्लूड है और मुझे उनका प्रेशर डिफरेंस निकालना है, ए एंड बी में प्रेशर डिफरेंस कितना है वो निकालना है, तो हमें क्या यूज करूंगा, डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, ये एक पाइप है कंसिडर करो, ये इधर एक पाइप है ऐसे लंबा पाइप है, इसके बीच में ऐसे ग्लास ट्यूब लगा दिया मैंने, अभी इसमें मैं जो ये फ्लूड यूज करूंगा मैनोमेट्रिक फ्लूड, अगेन हैवी यूज करूंगा, अगर मैं ऑयल यूज करूंगा तो क्या होगा, ये ऑयल ऐसे ऊपर चला जाएगा और या और एयर यूज करूंगा तो एयर ऐसे ही चला जाएगा और इधर इधर पूरा स्टोर हो जाएगा, तो मुझे हैवी फ्लूड यूज करना है, अगेन मैं मर्क्यूरी यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी दूसरा लिक्विड यूज कर सकते हो, ओके, मतलब जो भी उन्होंने दिया है, जो भी उन्होंने दिया है वो कंसिडर करेंगे, अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ मर्क्यूरी है, तो अगेन सेम लेफ्ट एंड राइट साइड, अब लेफ्ट साइड में यहाँ प्रेशर कौन सा है, पी ए है, ओके, अभी ये हाइट है इतना, ओके, तो ये हाइट क्या होगा, तो रो ए एच वन इंटू जी, तो रो ए जी इंटू एच वन, इस हाइट के लिए रो अलग है, क्या है रो एम है, तो क्या हो जाएगा प्लस अगेन क्या हो जाएगा रो एम जी एच एम, बराबर, तो एक दो और तीन ऐड हो जाएंगे, ये तो दोनों साइड में सेम है इसलिए निकाल दिया मैंने, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये प्लस ये, तो ये क्या है पी बी प्रेशर एट पॉइंट बी, प्लस ये हाइट ये क्या है तो रो बी, अगर इस रो बी इंटू जी इंटू एच टू, ओके, समझ आ गया, तो क्या किया यहाँ पर कौन से लेफ्ट साइड में कौन से पी ए है, एच वन जो कॉलम है फ्लूड का उसका प्रेशर आएगा और एच एम कॉलम है उसका प्रेशर आएगा, तो तीन आएंगे, एक दो तीन, यहाँ पे पी बी है यानी एच टू है तो वो आएंगे, अगर ये दोनों लिक्विड सेम है तो ये रो ए लिखने की जरूरत नहीं, सिम रो एंड रो आएंगे, अगर डिफरेंट है तो रो एंड रो भी आएंगे, और ये तो डिफरेंट ही रहेगा, मैनोमेट्रिक फ्लूड रहेगा, तो रो एम इंडिकेट्स मैनोमेट्रिक फ्लूड, मोस्ट प्रॉब्ली मर्क्यूरी यूज होता है, ठीक है। अभी मुझे पी ए एंड पी बी का डिफरेंस निकालना है, मैंने पी बी इधर ले लिया और ये दोनों उधर डाल दिया, तो पी ए माइनस पी बी क्या हो जाएगा, तो रो बी जी एच टू माइनस ये दोनों, ठीक है, तो ये इक्वेशन मुझे मिल गया फॉर डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक फ्लूड, ओके। मैंने इधर लिखा है कि बाबा जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूड रहेगा आपको हेवियर यूज करना है, ओके,
मेजर करने के लिए, अगर आप ऑयल यूज़ करोगे, एयर यूज़ करोगे और इधर वाटर है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए हेवियर फ्लूड यूज़ करना है। और ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप एयर एंड गैसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप हेवी और हाई प्रेशर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका नाम क्या है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। अभी नेक्स्ट है एक, ओके वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। ओके सो यहाँ पर अगेन ए है और यहाँ पर बी है। ओके ये बी है, सेम है, ओनली जो आपका आपने यहाँ पर जो ये देखा मैनोमीटर देखा, ओके यहाँ पर आपने जो देखा डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, उस ये नीचे था, ये ऐसे ऊपर चला गया है। तो अभी यहाँ पर जो मैनोमेट्रिक फ्लूड यूज़ होगा वो क्या होगा, एक तो एयर यूज़ करोगे नहीं तो ऑयल यूज़ करोगे, मोस्ट प्रोबेबली एयर यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि वो हल्का होना चाहिए, वो लाइटर होना चाहिए फ्रॉम दिस फ्लूड। अगर हेवियर होगा तो क्या होगा, ये ऐसे नीचे आ जाएगा और इधर इधर स्टोर हो जाएगा, तो हमें लाइटर फ्लूड यूज करना है। ओके अभी ये लाइन है, ठीक है, आपका जो फ्लूड है, चलो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इधर एयर है, ओके ऑयल और एयर कुछ भी है। अभी देखो लेफ्ट साइड में प्रेशर क्या रहेगा, तो पी है। ओके अभी जो ये हाइट है वो किधर है, ऊपर है, नीचे नहीं है। अगर नीचे होता तो हम ऐड करते थे, अगर ऊपर है तो क्या हम करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रो ए इंटू जी इंटू एच वन, तो ये बन जाएगा ये हाइट माइनस ये जो फ्लूड है मैनोमेट्रिक। तो मैं एच ओ लिखो, एच एम लिखो, मैंने ऑयल लिखा है इसलिए एच ओ लिखा है, आप एच एम लिख सकते हो, मैनोमेट्रिक फ्लूड बोल सकते हो। तो क्या बन जाएगा, रो ऑफ दिस ऑयल इंटू जी इंटू एच ओ, ये तो सब दोनों का सेम है, बचा क्या है, इज इक्वल टू पी बी माइनस, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, राइट, तो माइनस पी रो बी जी एच टू। ओके अभी आप पी ए माइनस पी बी चाहिए तो मैं पी बी इधर ले लिया, पी ए माइनस पी बी, ये माइनस है वो ऐसे ही रखा और ये दोनों माइनस है, इधर जाने के बाद पॉजिटिव हो गए, तो मुझे क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। ओके टू फाइंड पी एंड पी बी, ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है। देखो क्या हो जाता है, जब वेरी स्मॉल प्रेशर जो रहता है और वेरी लो प्रेशर जो रहते हैं, वेरी स्मॉल और वेरी लो प्रेशर रहते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है, वेरी लो प्रेशर का डिफरेंस, वो एक्यूरेटली फाइंड करना है आपको, तब आप क्या यूज करोगे, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। तो पाइजो, जो पाइजोमीटर था वो हमने कब यूज किया, जब हमें लो और मॉडरेट जो फ्लूड है और प्रेशर है वो मेजर करने के लिए, लेकिन वो एयर गैस के लिए नहीं यूज कर सकते, वो हम हाई प्रेशर के लिए नहीं यूज करते। ये एयर गैस के लिए यूज कर सकते हैं सिंपल यूट्यूब, लेकिन वो फिर हाई प्रेशर के लिए नहीं यूज कर सकते। ये हाई प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं, एयर गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लो प्रेशर का मेजरमेंट में इतना एक्यूरेसी नहीं देता। तो लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे, जो एक्यूरेटली आपको प्रेशर डिफरेंस बताएगा। ओके सो होपफुली आपको जो टाइप्स है प्रेशर मेजरमेंट के, वो समझ आगे हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके ऊपर सम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।